हाय देयर, ये MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का पहला लेसन है और आज की इस वीडियो के अंदर आपको थीम वन करवाई जाएगी। इससे पहले भी इस चैनल के ऊपर MGT602 की शॉर्ट लेसन सीरीज रिकॉर्डेड है, लेकिन वो सीरीज पुराने सिलेबस के मुताबिक है और अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से ये नई सीरीज रिकॉर्ड की जा रही है और इसकी हाइलाइटेड थीम्स भी आपसे शेयर की जाएगी, इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है आजकल एक बज़ वर्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसके बारे में है? बिजनेस करने के बारे में है, प्रॉफिट्स क्रिएट करने के बारे में है और वर्क फोर्स एड करने के बारे में है इकोनॉमी के अंदर। सो जब बिजनेस ग्रेजुएट अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं या फिर कर रहे होते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जॉब क्रिएटर बन जाएँ या जॉब सीकर बन जाएँ। और ज़ाहिर बात है जॉब क्रिएटर अगर बनेंगे तो अच्छा है क्योंकि जॉब्स वो प्रोवाइड करेंगे, और अगर हर कोई जॉब सीकर ही बन जाएगा तो फिर कोई भी जॉब प्रोवाइड करने वाला नहीं रहेगा। और इसी वजह से हमारी सोसाइटी में जॉब्स की कमी है क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस ग्रेजुएट्स भी जॉब सीकर बनते हैं, जॉब प्रोवाइडर नहीं बनते। जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं, वहाँ दूसरी तरफ एक इन्वायरमेंट जो है यहाँ ऐसा नहीं है कि उसके ज़रिए लोग जो है ज़्यादातर जॉब क्रिएटर बन सकें। सो इसी वजह से गवर्नमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और NGO जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती हैं और फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं और इंक्यूबेशन सेंटर्स की डेवलपमेंट करती हैं। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या है इसकी डिटेल आगे आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन ओवर द ईयर। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक्चुअली एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है और ये एक प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। अभी आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसकी डिटेल भी थोड़ी आगे आएगी। सो एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है इंटेलिजेंट जीनियस और जो है वो सुपर स्मार्ट पीपल है। सो एंटरप्रेन्योर जो है यूजुअली स्मार्ट ही होते हैं। सो एंटरप्राइज स्टार्ट करना और उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पे इस्टेब्लिश करना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई इत्तेफाक नहीं होता, कोई हादसाती तौर पे नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि खुद ब खुद ही हो जाइए, बल्कि जारी बातें उसको इंजीनियर्ड किया जाता है सही बिजनेस प्रोसेसेस के ज़रिए, स्टेबल अप्रोच के ज़रिए और डिसीजन के ज़रिए। सो जैसे कि ऊपर आपको बताया गया था कि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इंसान कोई भी चीज़ सीखता है तो उसको मेंटर की ज़रूरत होती है, किसी टीचर की ज़रूरत होती है, किसी कोच की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको गाइड कर सके। सो एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रूटेड इन दी एंटरप्राइजिंग नेचर ऑफ मैनकाइंड। जो एक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसका जो रूट है वो एंटरप्राइजिंग नेचर के अंदर है मैनकाइंड की, यानी कि इंसान की, क्योंकि इंसान की जो नेचर है वो एंटरप्राइजिंग नेचर मौजूद है इंसान के अंदर और ये प्री हिस्टोरिक टाइम से है, यानी कि कई हज़ारों साल से है, ये कोई अभी की बात नहीं बल्कि कई हज़ारों साल से मौजूद है इंसान के अंदर। और एंटरप्राइजिंग नेचर की वजह से ही इंसान ने जो है वो डिस्कवर की नॉन रूटीन एक्शन को डायनेमिक तरीके से, जैसे कि क्रिएशन की, नए वेंचर्स की और सोल्यूशंस ढूंढे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी और जितने भी चैलेंजेस हैं उन सब की सोल्यूशंस इंसान ने ढूंढे जो सोसाइटी पूरी की पूरी सोसाइटी फेस कर रही होती है। सो इनिशियली अगर हम देखें इंसान जब दुनिया में नया नया था तो वो शुरुआती दौर के अंदर वो हंटर गैदरर्स होते थे, वो रहते थे आइसोलेटेड फॉर्म्स के अंदर। इंसानों ने शुरू में पहले कबीले बनाए हुए थे, कबीलों के बारे में आपने पढ़ा होगा अक्सर हिस्ट्री के अंदर और कई सारी रिलीजियस नॉलेज के अंदर इसका काफ़ी डिटेल मिल जाती है ट्राइब्स के बारे में, कबीलों के बारे में। सो उस दौर के अंदर लोग जो है वो हंट करते थे अपनी फूड को और ज़ाहिर बात है शेल्टर, यानी कि जो उनका घर वगैरह होता था वो होता था, और इसके अलावा उनको नेचर के अगेंस्ट जो है वो सर्वाइव करना होता था। वेदर कंडीशन ज़ाहिर बात है चेंज होती थी, सो उस दौर में इंसान इस तरीके से रहा करता था। लेकिन इंसान की जो एंटरप्राइजिंग नेचर थी उसकी वजह से इंसान ने जो है वो कई सारी चीज़ें ईजाद करना शुरू की, जैसे कि आग जलाने की टेक्निक इंसान ने जो है ज़ाहिर बात है ईजाद की, पत्थरों से आग लगाई और आग जलाना इंसान ने स्टार्ट किया। इसी तरह से टूल मेकिंग टेक्निक्स आई और इसके अलावा फूड हंटिंग की और स्टोरिंग के तरीके जो है वो इंसान ने जो है वो ढूंढे और ईजाद किए। और एंटरप्राइजिंग नेचर की वजह से ही इंसान ने डिफरेंट मेथड्स जो है वो ट्राई किए फूड ग्रो करने के।
फार्मिंग जब एट लार्ज हुई, उससे जो है एक बड़ा बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जो है वो बरपा हुआ, और उसको कहा जाता है बिग ग्रीन रेवोल्यूशन। बिग ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है क्या किया, इंसानों के वो जो हंटर गैदरर थे, हंटर गैदरर ट्राइब्स थे, उनको एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो टर्न कर दिया, एक तरह से कन्वर्ट कर दिया। और एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ जो थी, उन्होंने प्रोड्यूस किया सरप्लस फूड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है फूड जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, जितना इंसान की ज़रूरत उससे ज़्यादा। अब जब उससे ज़्यादा हुआ प्रोड्यूस, सो ट्रेड शुरू हो गई मल्टीपल ट्राइब्स में, कई सारे ट्राइब्स के दरमियान, कबाइल के दरमियान ट्रेड जो है वो, तिजारत जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। इसी तरीके से मर्चेंट एंटरप्रेन्योर का जो है वो कॉन्सेप्ट आया, और इंसान ने जो है वो डेवलप किया एक बहुत बड़ा जो है वो सिल्क रोड, एंशंट टाइम के अंदर, कदीम ज़माने के अंदर। सिल्क रोड से मुराद जो ट्रेड रूट है वो, और जाहिर बात है जब वो हुआ ट्रेड रूट डेवलप किया, तो ट्रेड रिलेशंस था डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके दरमियान, जैसे कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया वगैरह के दरमियान। और इन्वेंशन जो हुआ स्टीम इंजन का, इसने जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बरपा किया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बर्थ दी मैन्युफैक्चरिंग के एरा को, और फिर जो है जारी बात है मास प्रोडक्शन का एरा आया। जब इम्प्रूवमेंट हुई ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड में और ट्रैवलिंग नीड्स के अंदर इजाफा हुआ, तो उससे क्या हुआ कि बड़े यूनिट्स के अंदर इजाफा हुआ, और जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स थे उनके अंदर कमी आई। लेकिन जाहिर बात है स्मॉल जो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनमें जो है जाहिर बात है स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा इन्वेंशन होते हैं। इसी वजह से यूके की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने पब्लिश की बोल्टन रिपोर्ट 1971 में, जिसने इंडिकेट किए 8 इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो स्मॉल फर्म के। और यूएस के जो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने रोशनी डाली इम्पोर्टेंस के ऊपर स्मॉल फर्म्स की। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया, जिसको कंप्यूटर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। जितने भी ये रेवोल्यूशन आए हैं, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, इतफाक़न नहीं है, बल्कि इसी वजह से है कि ह्यूमन की जो एंटरप्राइजिंग नेचर है उस वजह से। एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन जो होता है ये ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, एक खास एरिया होता है स्टडी का, या फिर सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ाया जाता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। और कुछ मोस्ट नॉन एकेडमिक डिसिप्लिन है, जैसे कि फिलासफी है, जोग्राफी है, आर्कियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, और लिंग्विस्टिक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी है, यानी कि बहुत से डिसिप्लिन हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। और इकोनॉमिक्स जो है वो मदर डिसिप्लिन है एंटरप्रेन्योरशिप का। और जो टर्म एंटरप्रेन्योर है, इसका रूट है फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर 12th सेंचुरी के अंदर। एंटरप्रेन्योर का मतलब है टू टेक बिटवीन, यानी कि द एक्ट ऑफ रिस्क टेकिंग बिटवीन बायर एंड सेलर एंड क्रिएटिंग अ वेंचर। क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं बायर और सेलर के दरमियान। रिचर्ड कैंटिलॉन, ये जो है एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है 17th सेंचुरी से, जिन्होंने डिस्क्राइब किया एंटरप्रेन्योर को एज अ पर्सन और हु एज एन इनसाइड इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि ऐसा पर्सन जिसकी जो है वो इनसाइट होती है, बसीरत होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, यानी कि बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है उसकी इनसाइट होती है, और वो रिस्क लेता है वेंचर की कॉस्ट को जानते हुए, लेकिन जो रिवार्ड होता है वो अननोन होता है, यानी कि रिवार्ड जो है वो नामालूम होता है। और उसके बाद है जीन बैप्टिस्ट से, ये एक फ्रेंच बिजनेसमैन थे 18th सेंचुरी के, जिन्होंने ब्रॉडली तौर पर कैटेगराइज कर दिया एंटरप्रेन्योर को, यानी कि कैटेगरी बना दी एज अ बायर एंड सेलर, और उसके अलावा इनोवेटिव पर्सन के तौर पे भी। उसके बाद है जोसेफ शम्पीटर, जो कि एक ऑस्ट्रियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे 20th सेंचुरी से, जिन्होंने डिस्क्राइब किया एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ डिसिप्लिन, और इन्होंने लेबल किया एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रोसेस के तौर पे, क्रिएशन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, और लिंक किया उसको इनोवेशन के साथ। और इनके मुताबिक एंटरप्रेन्योर जो कि इनोवेशन और एंटरप्राइज माइंडसेट के साथ होता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है रिसोर्सेज को कन्वेंशनल मोड से
और इनोवेटिवली तौर पे बंडल करता है उन रिसोर्सेज को ताकि वैल्यू क्रिएट कर सके और रिस्क ले सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सके। और उसके बाद है फिर पीटर ड्रकर, जो कि एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं 20th सेंचुरी से, जिन्होंने बुक लिखी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल। और इन्होंने भी लिंक किया एंटरप्रेन्योरशिप को इनोवेशन के साथ, और इन्होंने फर्दर जो है वो डिस्क्राइब किया, वजाहत किया कि एंटरप्रेन्योर जो है वो कम्स विथ प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी कि एंटरप्रेन्योर कुछ इन चीज़ों के साथ आता है। कम्स विथ किन चीज़ों के साथ आता है एंटरप्रेन्योर? प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ, प्रोडक्ट प्रोडक्शन मेथड इनोवेशन के साथ, न्यू मार्केट डेवलपमेंट के साथ, सप्लाई चेन डेवलपमेंट के साथ, और इसके अलावा अ न्यू एंड बेटर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि एक नया और बेहतर जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। एक अहम बात जो कि याद रखने की है वो ये है कि वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सिनोनिमस नहीं है स्मॉल बिजनेसेस के, जिनको SMEs कहा जाता है। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब नहीं होता कि स्मॉल बिजनेस, क्योंकि लार्ज फर्म्स भी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी, बड़ी फर्म्स भी एंटरप्रेन्योरियल तरीके से बिहेव जो है वो कर सकती हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप का एवोल्यूशन हुआ है एज अ डिसिप्लिन। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, इसके बारे में आपको बताया गया था पहले भी, अब इसकी डिटेल है। सो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? ये एक ऐसी जगह होती है जो कि हेल्प करती है स्टार्टअप कंपनीज को, क्योंकि स्टार्टअप जब होता है किसी कंपनी का तो वो शेकी होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे बैरियर्स आते हैं, तो आसान नहीं होता इतना स्टार्टअप। सो इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं और मेच्योर करते हैं एज एन इस्टेब्लिश बिजनेस। स्टार्टअप कंपनीज को डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं और मेच्योर करते हैं इस्टेब्लिश बिजनेस के तौर पे, और ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस, प्रोवाइड करते हैं जितना उनको जारी बात है फंड्स की ज़रूरत होती है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं, मेंटरिंग सर्विस यानी कि कोचिंग वगैरह, टीचिंग वगैरह, इस तरह की सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। और ये एक तरह से लॉन्च पैड कंसिडर किया जाता है इनको स्टार्टअप्स के लिए, जिस तरह से रॉकेट का लॉन्च पैड होता है जिसके ज़रिए रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो इसी तरह स्टार्टअप्स के लॉन्चअप लॉन्च के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स को जो है वो लॉन्च पैड समझा जाता है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने भी सक्सेसफुली अपना जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया है, और इसी तरह और भी दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनकी डिटेल्स जो है वो आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंक्यूबेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर को। द इंडस एंटरप्रेन्योर जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर के लिए, और इसके अलावा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर जो एक इंफॉर्मेशन सोर्स है जो कि पब्लिश करता है डेटा को भी और रिपोर्ट को भी एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम के बारे में और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। और GEM रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करती है इम्पोर्टेंस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। इसकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने मौजूद है GEMconsortium.org। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर डेफिनेशन, जो वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, जो टर्म है, इसको डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने डिफाइन किया है। सो पहला आपके सामने है, सक्सीड इन इवर चेंजिंग एंड इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट प्लेस, यानी कि कामयाब होना हमेशा बदलती हुई और इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट प्लेस में। और उसके बाद दूसरा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वैल्यू, द वेल्थ इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स हु अज्यूम द मेजर रिस्क इन टर्म्स ऑफ इक्विटी टाइम एंड कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर सम गुड्स और सम प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है इंक्रीमेंटल वेल्थ को क्रिएट करने का, यानी कि उसको पैदा करने का। और जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो क्रिएट होती है उन इंडिविजुअल्स से, वो इंडिविजुअल्स उसको पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, जो कि अज्यूम करते हैं मेजर रिस्क, यानी कि एक बड़ा ख़तरा जो है वो मोल लेते हैं। किस लिहाज से? इन टर्म्स ऑफ कॉल इक्विटी टाइम एंड कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, सम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो कुछ कॉमन ट्रेड्स हैं एंटरप्रेन्योर के, यानी कि कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं कि इनके पास एंटरप्राइजिंग नेचर होती है। अब आपको पहले भी बताया गया था कि इंसान की एंटरप्राइजिंग नेचर है, तो एंटरप्रेन्योर्स की भी एंटरप्राइजिंग नेचर होती है, मोटिवेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं, न्यू वेंचर्स क्रिएट करते हैं, ये रीडिफाइन करते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन को, और बहुत अहम चीज़ ये कि जॉब्स क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जॉब्स की इसी वजह से कमी है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम हैं, और ये सब वो इस तरीके से करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को वो हाथ से जाने नहीं देते, और इस्टेब्लिश करते हैं बिजनेस यूनिट्स को। अब आपके सामने कुछ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के नाम हैं और उनके नाम के आगे उनकी जो फर्म्स हैं वो भी दी गई हैं।
सो पहला नाम है आफ्ताब इकबाल का, दूसरा है आदमजी दाऊद का, उसके बाद है मियां मोहम्मद दीन, और फिर है डॉक्टर अमजद साकिब, फिर है रोशन जफर, फिर है सलीम कौरी, उसके बाद है मोनिस रहमान, और कुछ फेमस इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर भी हैं जैसा कि हेनरी फोर्ड हैं, वॉल्ट डिज्नी हैं, स्टीव जॉब्स हैं, रिचर्ड बेंसन हैं, मार्क जकरबर्ग हैं और जैकमा हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी। सो इकोनॉमी को डिफाइन किया गया है वेरियस लिटरेचर सोर्सेज में कुछ इस तरह, द स्टेट ऑफ अ कंपनी और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि कंपनी या रीजन की जो है वो हालत किस लिहाज से प्रोडक्शन और कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज की और सप्लाई ऑफ मनी इस लिहाज से। सो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं इकोनॉमी की जो कि आपके सामने मौजूद हैं, आपको बताई जा रही हैं। पहली है फैक्टर ड्रिविन इकोनॉमी, फिर है एफिशिएंसी ड्रिविन इकोनॉमी और इनोवेशन ड्रिविन इकोनॉमी। सो फैक्टर ड्रिविन इकोनॉमी की अगर हम बात करें सो ये मोस्टली एग्रीकल्चर है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है, और दूसरी जो है वो है फिर एफिशिएंसी ड्रिविन इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस बेटर हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। और इसकी एग्जांपल अगर ले तो इंडिया जो है वो इस इकोनॉमी के अंदर जो है वो फॉल कर रही है इंडियन इकोनॉमी अब। और इसके अलावा जो तीसरी इकोनॉमी है वो है इनोवेशन ड्रिविन इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी होती है यहाँ पर टेक्नोलॉजी और नॉलेज जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर इसकी एग्जाम्पल ली जाए तो US और जापान की इकोनॉमीज की एग्जाम्पल है। सो एम पोर्टर इन हिज बुक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ नेचर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस डिक्लेयर डेट, इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस इनकी बुक है उसमें डिक्लेयर किया गया है एंटरप्रेन्योर इज एट द हार्ट ऑफ नेशनल एडवांटेज, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो नेशनल एडवांटेज का जो है वो सेंटर है, मरकज है एक तरह से। और एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपस में काफ़ी जो है वो रिलेटेड हैं, काफ़ी जो है वो रिलेटेड हैं दोनों, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जॉब क्रिएट करती है, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो वेल्थ क्रिएटर होते हैं, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर जो है वो सोशल चेंज भी जो है वो क्रिएट करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से साइज ऑफ इकोनॉमी जो है वो चेंज होता है। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, इंफॉर्मेशन जो है एक ग्रेट रिसोर्स है एंटरप्रेन्योर के लिए बेसिक और स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए, और डेटाबेसेस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं, क्योंकि डेटाबेसेस जो है वो कैरी करती हैं स्टैटिस्टिक्स को, ट्रेंड एनालिसिस को, केसेस को और रिपोर्ट्स को। द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के दरमियान ताल्लुक के बारे में इल्म को आगे बढ़ाता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यानी कि इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, और GEI जो है वो मेजर करता है इकोसिस्टम नेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर, और GEI ने डिफाइन किए हैं 14 प्लस जो एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के एंटरप्रेन्योर्स, एंटीसीडेंट्स एंड मिथ्स। अब क्या कॉमन रीजंस है जिनकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं? पहली चीज़ तो एक क्रिएटिविटी डज नॉट फिट द कॉरपोरेट इन्वायरमेंट, जब जॉब करते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयर की जो एबिलिटीज़ होती हैं और क्रिएटिव स्किल होती हैं उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और जितनी उसको वैल्यू देना चाहिए उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। सो क्रिएटिविटी को डिनाई किया जाता है कॉरपोरेट इन्वायरमेंट के अंदर, जॉब्स के अंदर, इसी वजह से लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं चाहते जो कि बाउंड हो 9 to 5, यानी कि 9 से 5 तक जॉब करने वाला जो लाइफ स्टाइल है वो लोगों को पसंद नहीं होता, वो चाहते हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो ऑफिस के। सो इसलिए भी लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बी देयर ऑन बॉस, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, अपने बॉस बनना चाहते हैं कि खुद बॉस बने वो और उनके अंडर में लोग काम करें, तो इस वजह से भी लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और एंटरप्रेन्योर एक्टिव लर्नर होते हैं, इसी वजह से कई एंटरप्रेन्योर का आपने सुना होगा कि वो ड्रॉप आउट होते हैं, वो असल में यूनिवर्सिटीज से इसी वजह से ड्रॉप आउट होते हैं क्योंकि वो एक्टिव लर्नर होते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट से उनका लर्निंग का जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही अलग भी होता है और एक्टिव होता है, आम स्टूडेंट्स की तरह वो लर्न नहीं कर रहे होते हैं बल्कि वो एक्टिव लर्नर होते हैं इस वजह से भी।
और एंटरप्रेन्योर्स जो है वांट टू परस्यू देयर ओन आइडिया, अपने ओन आइडियाज़ को वो परस्यू करना चाहते हैं, इस वजह से भी वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और उनके आइडियाज़ जो है वो अनकन्वेंशनल और वेरी इनोवेटिव होते हैं, जो बिल्कुल जारी बातें हटके होते हैं आइडियाज़, नॉर्मल आइडियाज़ से बिल्कुल हटके होते हैं। और ऐसे आइडियाज़ भी होते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते कि ये जो आइडिया है ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। और वो ये अज्यूम करते हैं कि अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है बल्कि वो अनलिमिटेड है, और वो वी कैन चेंज द वर्ल्ड। वो ये सोचते हैं कि हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं इनोवेशन के ज़रिए, सोशल इनोवेशन के ज़रिए। वो सोचते हैं कि हम वर्ल्ड को, दुनिया को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया चेंज हो सकती है। और एंटरप्रेन्योर जो है वो कभी जो है रिटायर नहीं होते अपने वर्क से, जारी बात है जितनी एक रिटायरमेंट एज है उसमें एंटरप्रेन्योर रिटायर नहीं होते, बल्कि वो जारी बात है अपना काम करते रहते हैं जब तक भी वो करना चाहते हैं। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिग्री की कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है, डिग्री हो सकती है एंटरप्रेन्योर के पास, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास होती भी है, लेकिन रिक्वायर नहीं है, लाजमी नहीं है कि डिग्री हो। और एंटरप्रेन्योरशिप से जारी बात है ऑटोनॉमी, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जारी बात है एक आज़ादी मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जारी बात है साथ में होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल होती है। नाउ द कॉमन मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ कॉमन मिथ्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, यानी कि अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर में लोग एक चीज़ देख लेते हैं सोचते हैं कि तमाम एंटरप्रेन्योर के अंदर यही चीज़ मौजूद होगी। सो पहली चीज़ क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न दे कैन नॉट बी मेड, एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं और उनको बनाया नहीं जाता। और हमारे कंट्री में ख़ासतौर पर लोगों की इस तरह की सोच है कि अगर किसी का बाप जो है वो एंटरप्रेन्योर है तो बेटा भी एंटरप्रेन्योर होगा, कोई और एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। सो इसके अंदर अगर देखा जाए तो नेचर और नर्चर दोनों चीज़ें होती हैं, नेचर तो वही चीज़ें जो मिल रही है नसल दर नसल, और नर्चर भी होता है, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इंसान को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उससे भी फ़र्क पड़ता है, अगर एक का फैमिली बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला है या बिज़नेस बैकग्राउंड है तो दूसरे शख्स का अगर एनवायरनमेंट अगर ऐसा है बिज़नेस वाला तो जारी बात है वो भी बिज़नेस कर सकता है। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, नेचर और नर्चर। सो एंटरप्रेन्योर आर वेरी हाई रिस्क टेकर, ये चीज़ है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई रिस्क टेकर होते हैं, इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो जैसा कि कोई गैम्बलर है। सो ये भी बात जो है जाहिर बात है सही नहीं है देखा जाए कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क मैनेजर होते हैं, वो मैनेजेबल मॉडरेट रिस्क जो है वो लेते हैं, कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस वगैरह वो कर रहे होते हैं। और ये भी बात कही जाती है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो प्राइमरली तौर पे बुनियादी तौर पे पैसे से मोटिवेट होते हैं, जबकि फाइनेंशियल रिवार्ड कभी भी प्राइमरी सोर्स नहीं है एंटरप्रेन्योर्स के लिए मोटिवेशन का। पैसा मोटिवेशन का एक सोर्स ज़रूर है लेकिन प्राइमरी नहीं है, बुनियादी सोर्स कभी नहीं है। एंटरप्रेन्योर जो मोटिवेट होते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल अचीवमेंट से होते हैं, जो कुछ वो अचीवमेंट उनको मिलती है उससे होते हैं वो, ना कि वो पैसे से। और ये भी कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर ओवरवेल्म्ड होते हैं अपने आइडियाज से, वो दूसरे जो लोग एडवाइस देते हैं उनको नहीं सुनते हैं। सो एंटरप्रेन्योर एक्टिव लर्नर होते हैं, ये बात आपको बताई गई थी ऊपर भी, अगर वो दूसरों को नहीं सुनेंगे वो एक्टिव लर्नर हैं, जब वो तो सारी बात है जब वो एक्टिव लर्नर हैं तो वो डीप इंटरेस्ट शो करते हैं एक्सपर्ट नॉइस फ्रॉम द इंडस्ट्री और मार्केट। तो सारी बात है ये नहीं है कि वो दूसरों को नहीं सुनते बल्कि वो एक्टिव लर्नर होता है एंटरप्रेन्योर्स। और ये भी कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हाई टेक विजर्ड्स हैं, यानी कि बहुत बड़े टेक के एक्सपर्ट होते हैं। सो ये बात भी सही नहीं है कि एंटरप्रेन्योर लाजमी जो है वो कोई टेक का एक्सपर्ट हो, और अगर कोई टेक का ही एक्सपर्ट है तो सारी बात है वो टेक का एक्सपर्ट ज़रूर होगा लेकिन उसको फिर बिज़नेस की नॉलेज नहीं होगी, उसके पास बिज़नेस के स्किल्स मौजूद नहीं होंगे। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बिज़नेस स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स या टेक एक्सपर्ट होने से। सो टेक एक्सपर्ट भी हो सकता है एक एंटरप्रेन्योर, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसको जाहिर बात है बिज़नेस की नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, बिज़नेस स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और ये भी कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लव करते हैं, पसंद करते हैं स्पॉटलाइट को, यानी कि हमेशा वो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो शो कर रहे होते हैं, दूसरों को सुना रहे होते हैं। सो जब एंटरप्रेन्योर अपनी स्टोरी बताते हैं और अपना जो भी उनका स्टेटस शेयरिंग एट्रीब्यूट होता है तो वो
खुद जो एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है और इंस्पायरर होता है लिसनर के लिए, तो वो लिसनर के लिए खुद एक इंस्पायरर होता है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी इन्वेंटर बिकॉज दे आर इनोवेटर्स, ये भी कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स को लाजमी इन्वेंटर्स होना चाहिए क्योंकि वो इनोवेटर्स होते हैं। सो ये भी सच नहीं है तमाम केसेस के अंदर। उसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज़ जो हमारे यहाँ भी कही जाती है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि यू डोंट नीड टू अर्न डिग्री इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको डिग्री अर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कहा जाता है कि आपको डिग्री की या कोई तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल जितने भी बिजनेस मैन है, बिजनेस पर्सन है, जारी बात है अगर आप उनको कभी देखें, उनका ख़ानदानी कारोबार तो चल रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल उस हद तक लिमिटेड रहता है जितना वो उनको मिला था, वो कभी भी उसको ऊपर लेके नहीं जाते। इसी वजह से नहीं जाते क्योंकि जाहिर बात है उनके पास ना कोई उस बिज़नेस के बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होती है या कोई जो इनोवेशन हो रहे हैं उस बिज़नेस से रिलेटेड उसके बारे में उनको कोई नॉलेज होती है। सो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिग्री रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर कोई डिग्री हासिल करता है या फिर कोई और तरीके से एजुकेशन हासिल करता है, कोई डिप्लोमा वगैरह करता है या कोई और चीज़ करता है, तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है और उसको जारी बातें आगे बढ़ने में उसकी काफ़ी उसको हेल्प मिलेगी और काफ़ी सारी उसको नई चीज़ें पता चलेंगी जो उसको ट्रेडिशनली बिजनेस से नहीं मिलती और उसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल बिजनेस में मौजूद है। और उसके अलावा एक बात और कही जाती है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि इफ़ यू डोंट हैव मनी यू कांट बी एन एंटरप्रेन्योर, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते या कोई भी कारोबार आप स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास पैसा नहीं है। सो जैसे कि ऊपर आपको इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बताया गया था, इसी तरह से और भी कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, टाइम नहीं है, उनको ज़रूरत है एक रिलायबल पार्टनर की। सो अगर आपके पास, जाहिर बात है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है उसके पास अगर यूनिक एक आइडिया है तो वो ऐसे इन्वेस्टर को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन इन्वेस्टर का काम ही ये होता है कि पैसा लगाना, किसी भी रिलायबल पार्टनर के साथ मिलके वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक रिलायबल एक्टिव पार्टनर की ज़रूरत होती है और वो पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और मैंने भी खुद ऐसे लोगों को देखा है। और उसके अलावा एक और मिथ ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर यूजुअली यंग सुपर जीनियस एंड सुपर एनर्जेटिक, कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो नॉर्मली जो है वो यंग होते हैं, जवान होते हैं, सुपर जीनियस भी होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं। सो एज डज नॉट मैटर हियर, कहा जाता है कि एज इज़ जस्ट नंबर, और यही बात एंटरप्रेन्योर के केस में भी है। KFC के जो फाउंडर थे उन्होंने वेंचर जो स्टार्ट किया था वो 65 की एज में किया था, और KFC का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, आपने खाया भी होगा यकीनी तौर पे KFC का फूड, अगर नहीं भी खाया है तो जारी बात है आपने देखा ज़रूर होगा KFC को। सो सेकंड लार्जेस्ट फूड चेन है दुनिया के अंदर KFC इस वक्त, और इसके जो फाउंडर थे उनकी एज जो है वो 65 थी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यंग होना ज़रूरी नहीं है। आखिर में है पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो क्या फ़ायदे होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के। सो यू आर इन चार्ज ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप खुद जो है ज़िम्मेदार होते हैं अपनी डेस्टिनी के, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो चूज़ करता है अपना रास्ता और एक वेंचर क्रिएट करता है, वो खुद एम्प्लॉय करता है अपनी टीम को, अपने डिसीजन खुद लेता है, और दिन के आखिर में वो जो है या तो प्रॉफिट हासिल करता है या फिर लॉस उसको होता है, और इसके अलावा वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्ट्स का और अपने रिवार्ड का, और इसके अलावा आप जो है वो इनोवेटर हो सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ नो एज लिमिट, एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज ये कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, वरना आप में से जो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जॉब्स की एज लिमिट होती है, रिटायरमेंट एज तो अपनी जगह है ही लेकिन जॉब्स की, हर जॉब की अपनी एज लिमिट होती है, और एक जब पीक एज गुजर जाती है तो उसके बाद जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, चाहे जितना एक्सपीरियंस हो, जितनी भी एजुकेशन हो, उसके बावजूद भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, और फिर लोग जो है वो बहुत ही लो लेवल की जॉब कर रहे होते हैं, लो पे वाली जॉब कर रहे होते हैं फिर। सो एंटरप्रेन्योरशिप में कोई एज लिमिट नहीं है, और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल होता है वो बहुत सी
एंटिटीज के जो कि इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस में, एंड यू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी, और आप जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में, आप जॉब्स जो है क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, और इसके अलावा कई सारे लोगों को फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर जो है वो पॉजिटिव चेंज लाता है सोसाइटी के अंदर सोशल इनोवेशन के ज़रिए और बिजनेस सॉल्यूशन के ज़रिए। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो अख़वत की है। उसके बाद है फिर पावर टू पिवोट, यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है वो ऑटोनोमस डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के हवाले से। उसके बाद है फिर एक्सपीरियंस दी पर्सनल ग्रोथ जॉय। सो ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि एक मिसाली कारोबारी कामयाबी जो है वो हासिल होती है। सो आपकी जो स्टोरी होती है वो एक तरह से सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होती है यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, और उसके बाद यू बिकम एन एक्सपर्ट अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आप जो है वो एक्सपर्ट बन जाते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर, यानी कि कंसल्टिंग सोर्स बन जाते हैं बहुत से दूसरे स्टार्टअप्स के लिए। उसके बाद है रेजिलेंस रिकवरी एंड लर्निंग प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो कारोबार में ख़राबियों से निकलना सीखते हैं, और आखिरकार ये सीखने का सफ़र जो है वो बन जाता है। उसके बाद है फिर फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिवार्ड बिकम अ रोल मॉडल। एंटरप्रेन्योरशिप से जो है वो पर्सनल बहुत एक ह्यूज पर्सनल रिवार्ड मिलता है इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसों की फॉर्म में भी, और साथ में अकम्पलिशमेंट्स। सिर्फ पैसा ही नहीं होता इसमें बल्कि अकम्पलिशमेंट होती है, इसमें कुछ अचीव किया होता है। एंटरप्रेन्योर को ये अंदाज़ा होता है कि उसने ना सिर्फ पैसा कमाया बल्कि कुछ उसने अचीव किया होता है। उसके बाद फिर स्केड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। स्केड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आज़ादी होती है इसके अंदर। इसके अंदर 9 to 5 रूटीन जॉब टाइमिंग वाला नहीं होता है कि 9 to 5 जो है वो काम करना है, बल्कि एंटरप्रेन्योर जो है ज़ाहिर बात है वो अपने हिसाब से जो है वो टाइम सेट करके वो काम कर सकता है। अगर वो रात में काम करना चाहता है वो तब भी ज़ाहिर बात है कर सकता है वो काम, या फिर अपने हिसाब से भी वो कोई टाइम जो है वो सेट कर सकता है, जो भी ज़ाहिर बात है उसके काम को सूट कर रहा हो और जो उसको सूट कर रहा हो, ये दोनों चीज़ें देखते हुए अपने हिसाब से जो है वो टाइमिंग जो है वो सेट कर सकता है एंटरप्रेन्योर। एंड वर्क विद द पीपल यू लाइक, और ज़ाहिर बात है अपने हिसाब से लोगों को ज़ाहिर बात है रखता है एंटरप्रेन्योर, जिन लोगों के साथ वो काम करना चाहता है, जिनको रखना चाहता है वो अपने हिसाब से रखता है। वो जब उनकी सिलेक्शन की जाए लोगों की, एम्प्लॉयज़ की, सो अपने हिसाब से जो फिट हो सकते हैं उनको रखा जाए। सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो ज़ाहिर बात है जब इंसान जॉब करेगा तो उसको नामुमकिन सी बात है कि वो अपने जैसे लोग या फिर जिनके साथ वो काम करना चाह रहे हैं उनके साथ वो काम कर सके। एंड द चांस टू शेयर योर लर्निंग, और इसके अलावा एक चांस होता है कि शेयर की जाए अपनी जो लर्निंग है उसको दूसरों से जो है वो शेयर किया जाए। सो बींग अ पार्ट ऑफ एन एंटरप्राइज यू लर्न फ्रॉम योर टीम मेंबर्स। एंटरप्राइज का हिस्सा होते हुए आप जो है वो दूसरे टीम मेंबर्स से सीखते हैं, एंड लेट अदर लर्न इन द सेम प्रोपोर्शन। और उसके बाद जो आखिरी बात ये है, द लेगेसी टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अब एक एंटरप्रेन्योर ने जो है ज़ाहिर बात है जब एक एक स्टार्ट किया बिजनेस, तो वो सब चीज़ें जो है ज़ाहिर बात है नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होती है, अगली जो जनरेशन है अगली जो नस्ल है उसमें भी ट्रांसफ़र होगी। और ज़ाहिर बात है इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो अगली नस्ल आएगी उसको फिर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। फैमिली में जब ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, कारोबार जब ट्रांसफ़र होगा एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया, सो फिर जो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी अगली नस्ल आएगी उसको बहुत बड़ा ही फ़ायदा होगा, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेगी बल्कि उसके लेकर जाएगी वो। तो ये हुई थीम नंबर 1। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये थीम आप हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ